हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो सारे। तो आज हम जा रहे हैं एक हॉरर वीडियो शूट करने, मैं, अमित, वंश, तरुण और कृतिका। हम जा रहे हैं कहाँ बताओ? जमाली कमाली। हम जा रहे हैं जमाली कमाली, एक ना हॉन्टेड प्लेस कंसिडर करी जाती है ये दिल्ली में, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस को लोग मानते हैं ऐसा। वहाँ पर पहले भी लोगों ने जाके वीडियोज़ बनाई हुई हैं और मेरे को भी जाके एक्चुअल में एक्सपीरियंस करना है कि ऐसा सच में वहाँ पे कुछ है या नहीं है। आई हैव नेवर बीन देयर, बट उसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज लोगों में हैं जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट वो आगे चल के। अभी हम सबसे पहले चलते हैं गाड़ी में, यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं जमाली कमाली के अंदर। चल गाइस। तो अभी हम निकल चुके हैं, गाड़ी चला रहे तरुण भाई, पीछे है वंश, कृतिका और अमित। तो बॉयज हम निकल चुके हैं जमाली कमाली के लिए। मेरे को मेरे कज़न भैया हैं राहुल भैया, मैंने उनको ही फ़ोन किया था अभी, वो भी शायद आएंगे, तो देखते हैं क्या होता है भाई। इसके बारे में ना मैंने बहुत ज़्यादा, अभी हम स्टोरीज डिस्कस कर रहे थे, मैंने आर्टिकल्स भी बहुत पढ़े ऑनलाइन। आई थिंक एज फार एज आई रिमेंबर कमाली की डेथ हुई थी पहले, एंड कमाली जो थे वो उनके डिसाइपल थे और शायद वो क्या कहते हैं, सेना वेना का पार्ट थे या ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दैट। जमाली जमाली वॉज अ पोएट इन द कोर्ट ऑफ द किंग, जो उस टाइम पे शायद 16th सेंचुरी की बात है बेसिकली। तो उस टाइम पे किंग के कोर्ट में जमाली एक पोएट थे और इस वजह से वो वेल ऑफ भी थे, काफ़ी उनके पास रिचेज थे, काफ़ी पैसा था। और कमाली जो है वो एक उनके डिसाइपल कह लो या स्टूडेंट कह लो, इस तरीके से जो उनका पोर्ट्रेयल था वो ऐसा था। और वहाँ पे उन दोनों की साथ में बॉडीज प्लेस्ड है, तो लोग कहते हैं कि वहाँ पे जिन्स वगैरह बहुत मतलब इस इन सब चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट रहता है। और गाड़ी आ गई हमारे कितने लोग हैं भाई? और वो मेरे भैया की गाड़ी आ गए और स्कूटी पे भी एक और भाई जा रहे हैं, वो भी हमारे साथ ही हैं, बट अभी पीछे हमें एक और गाड़ी फॉलो करने लग गई है, आप देख सकते हो। अब वो किस भैया की है वो देखते हैं, वो किस भैया की है वो हमें देखना है अभी। आ गए भाई तरुण, वंश, कृतिका हमारे साथ में। ये एंट्रेंस है ठीक है, कौन सी एंट्रेंस है भैया? हेलो वंश, हेलो हेलो, एक तो इधर है अच्छा और दूसरा इसकी बैक साइड, अभी आओ दिखाता हूँ। ये सारा उसी का पार्ट है, पहले यहाँ पूरा जंगल था, इसके अंदर यही जंगल था। तो अभी हमें भैया ने बताया कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले ये दलदल है, एक दलदल था पहले, मतलब अभी एक लेक सा बन चुका है ये। तो यहाँ पर पहले भी बहुत मर्डर हो रखे हैं और अभी रिसेंटली 6-7 महीने पहले यहाँ पे एक डेड बॉडी भी मिली थी भाई। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई है के एपिसोड्स में हाँ। कि बड़े बड़े एक्सप्लोरिंग के लिए ग्रुप्स जाते हैं हाँ। वो बढ़ते रहते हैं, फिर वो और फिर सिर्फ दो ही लौटते हैं वापस, सिर्फ दो ही वापस लौटते हैं, हम में से सिर्फ दो ही वापस लौटेंगे। लेकिन एक बात बता, यू विजिट सच अ प्लेस लाइक दिस? यार मैं तो बिलीवर हूँ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बिलीवर हाँ। आई काइंड ऑफ बिलीव कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और बहुत नेचुरल है अगर भगवान में तुम बिलीव करते हो, तो ये भी भगवान की सारी क्रिएशन है okay. जो भी है इसको आप डार्क साइड भी नहीं बोल सकते, काफ़ी लोग इसको लाइक एज अ डार्क साइड रेफर करते हैं मेरे हिसाब से, जैसे बोलते हैं अल्टरनेट डायमेंशन हाँ, दूसरी डायमेंशन के लोग होते हैं ये लोग तो okay. इसमें कुछ वो अगर मेरे को लगता है इसमें कुछ ख़राब भी है, ऐसे किसी को डरना भी चाहिए इन चीज़ों से। आई थिंक आई एम अ स्केप्टिक, जो क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हो भी सकता है, जो जैसे तू बोल रहा है आई एम ओपन टू दैट रीजनिंग, जब तक मैं देख नहीं लेता या एक्सपीरियंस नहीं कर लेता फर्स्ट हैंड, तो आई एम नॉट गोइंग टू बी
जितने भी नंबर ऑफ जगहों पे पहुंचे हैं अंकुर और मैं, मेरी अप्रोच यही रही है देखने की कि भाई है कि नहीं है, देखेंगे कि नहीं होगा, बट यूजुअली नहीं होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन होता है। यहाँ देखते हैं एक और जगह इन द लॉन्ग लिस्ट ऑफ अंकुर कश्यप एक्सप्लोरेशन। कितना सा एरिया लिट अप हो रहा है, बाकी देख सकते हो पूरा डार्क है। लाइट ऑफ करना बंच, लाइट ऑफ करो, ये देखो गूगल टाइम सर्च करें, गूगल टाइम मैं आपको गूगल टाइम दिखाता हूँ अभी क्या हो रहा है। काफ़ी लोगों को लगेगा कि हम लोग दिन में आए थे या फिर दिन में आए, मतलब दिन में। मतलब शाम में। ये रहा गूगल टाइम, गूगल टाइम देखो क्या हो रहा है। 151 दिखेगा कैसे इसमें, तो स्क्रीन बहुत ब्राइट आ रही है। इंसेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं इधर। इनिशियली हमने भी प्लान किया था कि हम इतना लेट तो नहीं आएंगे तो, बट आते आते हो गया है। वी वर प्लानिंग कि 12:30 बजे तक पहुंच जाएं। कुछ दोस्त वेट भी कर रहे हैं हमारे प्यारे दोस्त। ठीक है, मतलब नॉट टू साउंड स्केरी बट ऐसा भी कहते हैं ना कि जिन्स वगैरह ऐसे फ्री वी शेप, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शेप शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ। और वो अलग अलग जानवरों का वो भी कर सकते हैं। हम फॉर सम रीजन किसी ना किसी वजह से आज लेट होते रहे, जो हमारी चीज़ों के हमारे काबू के बाहर था। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर कुछ होना है तो आज ही होगा, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक टाइम पर हमको बुलाया गया है। हाँ भाई, अभी 3 भी बजने वाले हैं गाइस। जैसे घर वाले कहते हैं ना कि बुलावा नहीं आया था, अब बुलावा आया है। बुलावा आ गया। बुलावा आया। अब कौन कौन पहली बार आ रहा है यहाँ पे? मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। ये क्या पेड़ पेड़ भाई? इट्स हॉन्टेड गाइस। पानी आता है ना। हाँ। इस वॉल के पीछे कुआं है, इधर से दिख जाएगा, ऊपर से दिख जाएगा। अच्छा। और कुएं का सबसे जो नीचे वाला पार्ट है वो खुला हुआ है खाली, बाकी सब पूरी दीवार है। अच्छा। कोई गिरेगा तो बिल्कुल नीचे पहुँच के इसमें आ सकता है। यहाँ तक तो जा सकते हैं? नहीं, जा तो पूरा घूम सकते हैं, लेकिन ये है कि लाइट से और पैर बचा के आराम से, एक बार गिरा तो फिर कूदना पड़ेगा बचाने। ओ भाई इतना, गाइस आज तक आपने YouTube पे जमाली कमाली की ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। भाई यार नालियाँ देख के मेरा पैर चला जाता है अभी। नालियाँ भी इधर? हाँ, लेफ्ट में देख। फिर उन्हें एक बार यहाँ पे लाइट मारियो पूरे पे। मकड़ी के जाले बहुत सारे यहाँ पे देख के। ठाकुर वेट आने का। लाइट ये भाई सबके जगह है वो। दिखाइए बढ़िया लाइट, दिखाइए काला है यार, दिख नहीं रहा बिल्कुल। ये देखो गाइस ये पूरा जमा हुआ है पानी, साफ हो तो चलो
अब हम घुसते जा रहे हैं अंदर ना गाइस, ये देखो ये भूलभुलैया जैसा है पूरा, वी गेटिंग लॉस्ट इन दिस। यहां दिखाइयो लाइट, दिस इज वन ऑफ द टूम। साथ में ही थी दोनों, साथ में नहीं थी दोनों, दूसरी होगी नहीं और भी हैं। अच्छा लाइट हर दीवार को कुछ ना कुछ, इसीलिए इन जगहों को लॉक कर देते हैं ताकि लोग ना आने वाले सुन। ये कितना पुराना होगा वैसे सारा? ये 16वीं सदी का है भाई, 16वीं सदी का, 16th सेंचुरी। यस, लोग पतले होते थे ना तब। नहीं भाई ये वॉर वाले उससे बनाया जाता था। थोड़ा भी हम निकले हैं एक्सप्लोर करने इस जगह को अकेले, अभी भैया वगैरह सारे ऊपर ही बैठे हुए, अभी हम लोग जा रहे हैं अकेले देखने के लिए, देखते हैं यहाँ पर कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। आ जाओ पहले हम ये वाली जगह एक्सप्लोर कर लेते हैं यार। एक काम करते हैं अमित, हाँ लेट्स स्प्लिट अप। वर्स्ट डिसीजन यू कैन मेक इन अ मूवी, लेट्स स्प्लिट अप। तो हम अकेले अकेले जाने वाले, अकेले अकेले जाते हैं। पहले मैं जाता हूँ अकेले, यहाँ पे घूमता हूँ जाने वाला हूँ अभी यहाँ पर, देखते हैं कुछ दिखता है कि नहीं दिखता। ये मैंने एक लाइट ले रखी जिससे मैं आगे देख सकूँ। तो ये एरिया भाई, ये क्या देखो, यहाँ पर अकेले चलना बहुत स्कैरी है। जब सबके साथ है तब मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा था, अभी मैं अकेला हूँ तो थोड़ा सा डर तो लग रहा है। अरे ये क्या है? ओ भाई बैठ से बैठ से बैठ से बैठ से बैठ से, चमगादड़ इधर, सच में चमगादड़ है भाई। ये देखो ऊपर रास्ता जा रहा है इधर से, बैट्स तो हैं इधर। अब पता नहीं चमगादड़ों के बारे में ये बात तो कहते हैं कि वो आँख फोड़ देते हैं, ज़्यादा डर उसका है मेरे को। कोई आवाज़ आ रही है। सो गाइज अमित वहाँ पे जा रहा है अंकुर का रास्ता बीच में काटने, अंकुर डजंट नो अबाउट इट, और देखते हैं क्या रिएक्शन होता है उसका। ये देखो शायद आ गए ऑलमोस्ट एंड पे, बट it is scary, it is very scary. What the f, are you mad? Right guys, तो अभी हमने ये वाला एरिया देख लिया, पूरा एक्सप्लोर कर लिया। ये बावली है, यहाँ पर एक कुआं है पीछे, और हम मैं और हमें तभी यहाँ पे इंडिविजुअली गए भी थे कैमरे से एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम जाने वाले हैं जमाली कमाली का टूम ढूंढने के लिए, अभी तक हमें वो मिला नहीं है, और भी काफ़ी सारे कबर हैं, चल के देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिखेगा हमें। तो आ जाओ चलते हैं सारे और ढूंढते हैं अगर कोई चिन्ह हमें मिलता है कि नहीं मिलता। लेट्स गो। हमने यहाँ की सारी भूतिया चीज़ें देख ली, जिस चीज़ के लिए भी वो नहीं हुआ। क्या हुआ बच्चे? ये देख लो गाइस यहाँ पे कितनी सारी कब्रें हैं, चिल्लाने की आवाज आ रही है पता नहीं बाहर से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो
कब्रें ही कब्रें हैं इधर, ये देख सकते हो आप, ऊपर भी हैं काफ़ी सारी। ये देखो गाइस, ये देखो पीछे पूरा देख सकते हो आप। मैं ऐसी जगह पे आज से पहले कभी भी नहीं आया भाई। इट्स वेरी हैवी, मतलब मेरे को प्रॉपर यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, एकदम हैवीनेस सी। मुझे नहीं पता आप लोग इन चीज़ों में मानते हो नहीं मानते हो, मी बीइंग अ बिलीवर, मैं तो इन चीज़ों में काफ़ी मानता हूँ भाई। ये देखो गाइस, पूरा एरिया कब्रों से ही भरा हुआ है और कुछ नहीं है इधर, देख सकते हो आप। बहुत हैवी एनर्जी है इस जगह की, आई कैन फील इट, जैसे ना सांसें भी जैसे भारी हो गई हैं। गाइस यहाँ पर तो मैंने आपको दिखाया बहुत सारी कब्रें हैं, बट हमें वो दो जो कब्र है जमाली और कमाली वो अभी तक हमें नहीं मिला है, तो अभी और ढूंढते हैं भाई। इस एरिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। मैं यहाँ पर कोई रिचुअल नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्टफुल होगा इस जगह के लिए। एक ट्रेल सी है गाइस फॉरेस्ट की तरफ, इधर जंगल है थोड़ा, तो चल के देखते हैं आगे क्या मिलेगा हमें। आ जाओ, लेट्स होप। एक तो ये भी नहीं बोल सकते कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि हमें तो वर्स्ट चाहिए ना। हमारा वर्स्ट हमारा बेस्ट है। यहां पे काफी अनटच्ड है और ये अनटच्ड लग रहा है, और इसमें घुसते ही जो हमें वाइब आ रही है ना, ये बिल्कुल मेंटेन है यहां पे सारे पेड़ ऊपर। हमको द थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट ना, दैट द एयर गेट्स हैवी, यहाँ पर वो लग रहा है ना। हाँ वो लग रहा है ना, नेगेटिव सी वाइब है थोड़ी, डेंसिटी। हाँ दिस इज व्हाट आई वाज, थोड़ा मतलब कैसे बताऊँ, थोड़ी इंटेंस सी वाइब है इस जगह भाई। जब ये पूरा इससे पहले जब वो ब्यूटिफिकेशन नहीं था तो वो सब भी जंगल के अंदर ही था, अभी थोड़ा क्लीन हो गया। अच्छा तो वहाँ पे भी ये सेम। ये क्या कह रहा है ये यार? ऐसे आई थिंक किसी बिल्डिंग के रुइंस है बस, इसके अंदर आ गया कुछ, इसके अंदर इधर काफी सारी कब्रें हैं, थोड़ा सा अमित बी केयरफुल, ज्यादा आगे मत जाना। ये देख सकते हो भाई, सांप हो सकते हैं यहाँ पे, तो ये अनटच्ड है गाइस कब्रें, ये आई थिंक इन देयर ओरिजिनल फॉर्म है। वो क्या है जो जैसा था, क्या पीछे उस तरफ चलो चलते हैं, कंटिन्यू हो रहा है स्ट्रक्चर, चलना देखना। हाँ चलो ना, चलो कुछ मेरे का फोन आ रहा है ना। ये अपने ओरिजिनल शेप और फॉर्म में है कब्रें, जैसे जो हमने बाहर देखी थी। ये देख सकते हो इस पे कुछ भी प्लास्टर वगैरह कुछ भी नहीं करा हुआ, टूट रखा है सब, ये रुइंस वाले फॉर्म में ही है ये कब्रें हैं। तीन इधर ना, तीन है इधर, ये देखो प्लांट्स आ चुके हैं, और ये देखो ये जंगल के बीच में है, मतलब ये जमाली कमाल से थोड़ा सा हट के है ये। ये देखो ये पूरा ही कब्रों वाला इलाका है, कब्रिस्तान है पूरा का पूरा। किधर ये वाला राइट में, देखो कैमरा पकड़ो, गिर ना जाए। यहाँ पे भाई कुत्तों की बहुत ज़्यादा लाउड नहीं हो रही भाई, ये देखियो, देखो यहाँ से गाइस लोगों ने तोड़ रखा है यहाँ पे घुसने के लिए, ये देख सकते हो आप, ज़्यादा ही जान नहीं लगाई ऐसे तोड़ने के लिए वही भाई। चलें जंगल में थोड़ा सा और अंदर, जंगल और कहाँ उस तरफ कबर, भाई यहाँ भी कबर है, कबर है। हाँ। ये भी कबर, फुल ऑफ कबर, कबर से यार, कब्रिस्तान है भाई पूरा अपने आप। हेलो अकेले कबर है लेकिन इधर काफी लोग ये भी मानते हैं कि जिन वगैरह होते हैं। हाँ भाई जिन वगैरह जो भी होते हैं ना वो आपको ऐसे मिलते भी नहीं है, वो तो भाई हाँ वो मिलना चाहते नहीं है। हाँ वो तो है, आपने गलत कर रहे हो, हम गलती से देख लिया तो देख लिया। सामने वाली कबर पे अपने बर्थडे वाले दिन, अच्छा उसके साथ इतना बुरा हो गया था भाई उसी दिन, फिर उसको दरगाह लेके गए,
दो तीन महीने लगे जब जाके सही हुआ। मैंने भी बताया था ना आपने, आज भी आए वो एकदम से पागल फैमिली वाला स्टोरी, आज तक भी उनका मतलब पीछा छूटा नहीं है एक तरीके से। वही इसीलिए हम मेंटेन करते हैं ये कि रिस्पेक्ट तो करो, इन जगहों पे आओ देखो एक्सपीरियंस करो, यहाँ की अच्छी बुरी चीजें थोड़ी भी देर ऐसे नहीं हुआ कि पूरी तरफ शांति हो। Exactly. या तो कुत्ते भौंकते रहते हैं या कोई पेड़ में कुछ जानवर दौड़ रहा होता है, चमगादड़ होते हैं, कुछ तो चलता रहता है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ऐसे, यहाँ मैं ऐसे कभी एक्सप्लोरेशन वगैरह पे आया नहीं। अच्छा, तो थोड़ा तो स्पूकी है, बट मे बी हम ग्रुप में आए तो इतना नहीं लग रहा। हाँ, डेफिनेटली दो तीन लोग होते थे हम तो भाई, डेफिनेटली सिर्फ एक अकेला बंदा यहाँ पे आया होता बस उसकी हालत खराब हो गई थी, कबर है उनसे पीछे आराम से आराम से। बट हाँ भाई, कुछ तो बात है यार। हाँ ब्रो, लग रहा है कुछ काफ़ी हैवी सा है इधर, मतलब 3 बज गए यहाँ पर। हाँ 3 बज गए यार, यही टाइम होता है। हम चले शैतान के पास, मैं तो वेट कर रहा हूँ यार कुछ एक्सप्लोर। I don't really believe in them. Huh? Not until I've seen it. Huh? If I see it, I'll do it. Other than मतलब story सुन के ऐसे लगता है। हाँ। But मेरे को दिखा नहीं है तो। जगह-जगह ये पेड़ तोड़े। हाँ, ये जगह-जगह पेड़ तोड़े ना, पता नहीं क्यों। ये मार के कह के कोई रास्ता ना भूल जाए अपना इधर आते आते। I think वही है। तभी तो कोई बंदा अगर रास्ता भूल गया, तो इनको देख के identify कर सकता है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं।